एक्स कैफ़े का फेमस जिंगर बर्गर हमारे पास पहुंच चुका है। उसके साथ भाई ने ये एक सॉस दी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई है जिसे एकदम शानदार अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी 4-5 दिनों से बारिश है, वो चल रही है। 10 मिनट की बारिश है, 15 मिनट की धूप, ऐसे आँख में चोरी खुद में ही खेल रहे हैं। मैं जा रहा था कहीं पर और क्या लेने जा रहा था ये मैं आपको वहीं पर जाकर बताता हूँ, लेकिन पहले आतिफ को मिल लें, उसको घर से पकड़ लें। यार अभी मैं पहुंचा हूँ किराए दार सिंह में और ये हमारे आतिफ भाई, और आज किराए दार सिंह के अंदर हम कुछ नाश्ता करेंगे, कुछ बिरयानी खाएंगे, कुछ एक्स कैफ़े का जिंगर ट्राई करेंगे और साथ साथ जो कुछ मिलता रहेगा वो ट्राई करते जाएंगे। चलें चलो। किचन में आके चेक करने हैं किस तरह चीज़ें बनती हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा शौक था, मेरा तो पूरा हो गया और वो भी अच्छा। मैं अभी पहले गया था आतिफ के घर, उसको पिक किया और बता दूं ये आतिफ भाई जो के दोस्त नहीं है मेरा, भाई है मेरा, और आतिफ भाई मुझे लेके आया किलाए दार सिंह में। ये पॉइंट है एक तारक नाश्ते वाला, जहाँ पे मैं कॉलेज के दौरान ही नाश्ता किया करता था दोस्तों के साथ। वन ऑफ द बेस्ट नाश्ता पॉइंट इन किलाए दार सिंह, ये गलत नहीं होगा अगर मैं बोल दूँ तो, क्योंकि मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, मैं यहीं से नाश्ता किया करता था। मेरे साथ तलाल, कामरान, तारक भाई और ये आतिफ भाई और मेरा भाई अनस, हम यहीं से ही नाश्ता करते थे। और अभी मैं इनसे ट्राई करता हूँ। ₹80 का एक प्याला कर दो और एक अंडा और एक कोफ्ता भी उसके अंदर डाल देना। और अभी पहुंच चुके हैं गर्मा गर्म हमारे पास चने कोफ्ते और कुलचे गर्म गर्म, और इन्होंने इसके अंदर कोफ्ता डाला, चने गए मलाई की तरह के चने लग रहे हैं और हरी मिर्च है साथ में, गर्म मसाला। अभी खा के चेक करते हैं कि क्या सीन है। पहले लेते हैं यार थोड़ा सा इसके अंदर कोफ्ता साथ में चने, एक और खा के चेक करते हैं क्या सुन। हाँ जी मुक जाएगा, असल के अंदर ये चने जो हैं यार इतने को इंतहाई किस्म के गले हुए हैं कि जिस तरह हलवा नहीं बन जाता उस तरह का सीन बना हुआ है इसके अंदर। ओए होए हो यार, खा के इस तरह कॉलेज की याद आ गई जब हम 7-8 दोस्त इकट्ठे आते थे यहाँ पर बैठ खाते थे। नाश्ता करने के बाद अभी मैं बिरयानी ट्राई करने के लिए किलाए दार सिंह के अंदर ही रिक्शे और अड्डे के पास ही भाई की ये छोटी सी पीछे दुकान है, इनके पास पहुंचा हूँ। आतिफ भाई ने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये किलाए दार सिंह के अंदर। मैंने पहले ट्राई नहीं किया इनकी बिरयानी, मैं कहीं और से खाता रहता था, लेकिन पहली दफ़ा मेरी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अभी चेक करते हैं कि भाई का क्या। ये साथ में चटनी का, चटनी जो दी है भाई ने अंदर, धनिया डाल के, हरी मिर्च डाल के अच्छा सा रायता बना के दिया है। इसके अंदर साथ में थोड़ी सी शामी लेते हैं और साथ में रायता, और ये इसका कलर चावलों का बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी खा के चेक करते हैं किस तरह।
एक्चुअली यार उस तरह का मज़ा आ रहा है, जिस तरह की मतलब देगी जो है ना वो टेस्ट इसके अंदर आ रहा है। कोई बाजारी नहीं इस तरह के आपके खा रहे हैं आपका पेट ख़राब हो जाए। फुल बहुत ही मज़ा आया खा के। अभी चिकन के साथ ट्राई करते हैं भाई, क्या से यार काफ़ी अच्छी आता भाई। आप भी टेस्ट करें किस तरह का। काफ़ी यार अच्छा टेस्ट है इसका, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं तो ख़त्म कर दूँगा। आता भैया आप भी खाएँ। बिरयानी ट्राई करने के बाद अभी हम जा रहे हैं एस कैफ़े, और मैं आपको बता दूं कि आतफ भाई जो एस कैफ़े के अंदर बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं, उनके हाथ का जिंगर बर्गर जो है काफ़ी जो है वो किला के अंदर फेमस है। और मैं तो खुद ही कॉलेज के अंदर जब होता था दोस्तों के साथ आता था, हम ट्राई करते थे, लेकिन आपको भी आप ट्राई कराते हैं और चेक करवाते हैं कि एस कैफ़े के अंदर क्या। भाई अंदर इंतहाई लेवल के भाई ने सेटअप लगाया, वो सामने एक्स कैफ़े का मोनो लगा हुआ है, ये एक भाई ने फ्रेम लगवाया हुआ जिसके ऊपर एक आयत लिखी हुई है, एसी वगैरह लगे हैं, और आर्टिफिशियल ग्रास भाई ने लगवाया हुआ है साइड पे, और ये और कलर भी एक्स कैफ़े के मोनो के साथ ही डाइनिंग का वो भी मैच कर रहा है, और इस साइड पर भाई ने फ्रेम लगवाया पिक्चर्स के जो बहुत ही उम्दा लग रहे हैं, और इसके साथ ही दूसरी साइड पे फैमिली हॉल भी भाई ने बनवाया, अगर फैमिली आना चाहे तो वो भी तो ट्राई कर सकती है, आके बैठ सकते हैं। ये पीछे भाई का ये काउंटर वगैरह है, इसके ऊपर ये ऑर्डर रिसीव करते हैं, और ये बॉक्स वगैरह है, अगर आप होम डिलीवरी चाहते हैं तो होम डिलीवरी इनकी फ्री है किलाएदार सिंह के अंदर, अगर आप बाहर मंगवाना चाहते हैं वो भी मिल जाती है, लेकिन उसके कुछ चार्जेज हैं भाई के। तो वो आते ही भाई भी पहुँच चुके हैं, और ये हमारे नबील भाई हैं जो ऑनर हैं यहाँ के, और ये भाई ने बहुत अच्छा ये कोई ऑर्डर जो है वो जा रहा है। ओ यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ एक्स कैफ़े के किचन के अंदर, और इधर भाई ने पता नहीं कितनी की खूबसूरत किस्म की सब्जियाँ रखी हुई हैं जो बर्गर और पिज़्ज़ा के अंदर जाती हैं, और ये ऊपर मसाले ये कैबन बने हुए हैं, ये इधर ब्रेड पड़े हुए हैं ताज़ा तरीन। आता भाई काम करते हुए यार, और ये भाई ऑयल गरम कर रहे हैं जिंगर के लिए, और ये भाई ने कुछ टमाटर रखे हैं बॉयल करने के लिए, इनके जरासीम उड़ाने के लिए। इसके अंदर ओवन है बहुत बड़ा, और इसके अंदर पिज़्ज़े वगैरह बनते हैं और बेक होते हैं इसके अंदर ही पिज़्ज़े, और ये फ्रेश ब्रेड भाई ने निकाल के उसके ऊपर रखे हैं, और इसके ऊपर ऑयल जो है वो स्प्रे किया है, और अभी ये भी तकरीबन जा रहा है बेक के लिए, जा रहा है ओवन के अंदर ही। जिंगर के ब्रेड जो है वो भाई ने बेक के लिए रखे हुए थे अंदर ओवन के, और ये बेक हो गए हैं, अभी इनका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया तकरीबन बनने के लिए तैयार है, और ये कुछ जो है टमाटर हैं और खीरे हैं ये स्लाइसेस में काट लिए हैं इन्होंने, स्लाइस बना लिए हैं इनके, और ये कुछ सॉस लगा रहे हैं ऊपर ब्रेड के, खीरे के स्लाइस गए। ये टमाटर भाई ने लगाए ऊपर, और ये चिकन जो है वो तकरीबन फुल तैयार हो गया था, जो भी भाई ने रखा था उसके अंदर ऑयल के अंदर वो फुल रेडी है, देख सकते हैं किस तरह क्रंची चिकन बना है। ओए होए होए पहाड़ जितना यार चिकन लग गया ऊपर। ग्रीन सॉस लगाया, कैचअप लगा रहे हैं भाई, चिल्ली कैचअप लग रही है मुझे तो। कैफ़े का फेमस जिंगर बर्गर हमारे पास पहुंच चुके हैं, उसके साथ भाई ने ये एक सॉस दी है, और ये चिल्ली कैचअप दिया है भाई ने साथ, ये भी सॉस ही है,
और साथ में ये लोडेड जो है वो जिंगर दिया जिसके अंदर पता नहीं कितनी की किस्म की वो सॉस लगी है। अभी खा के चेक करते हैं क्या सीन है इसका। आ तो भाई यकीन माने यार इस तरह का मैं इसलिए यहीं पर आया हूँ कि मैं बहुत सी जगहों से जिंगर वगैरह खाता रहता हूँ, लाहौर में भी हूँ मैं खाता रहता हूँ, लेकिन इस तरह का जायका मैंने कहीं पे नहीं देखा। और भी किलाएदार सिंह में मैं स्पेशल इस जगह पर इसलिए आया था क्योंकि मैं एक्स कैफ़े का जो ये जिंगर है ना यार वो ये समझ गए बर्गर खाने के बाद कुछ देर के लिए रेस्ट किया और अभी टाइम हो रहा है 5:27 और अभी मैं पहुंचा हूँ शदेब भाई के पास। शदेब भाई बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और शदेब भाई के इधर एक स्टॉल लगाया हुआ है दही भले का, उधर से दही भले टेस्ट करते हैं क्योंकि ये किला के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इलाही मैरिज हॉल जो किला से बाहर है गुजरांवाला की तरफ जाते हुए वहाँ पर भाई का एक स्टॉल लगा हुआ है पेट्रोल पम्प के साथ, आप भी शैल के पंप के साथ आप भी आएँ वहाँ पर टेस्ट करें। बहुत अच्छा भाई ने सीन लगाया हुआ है, अभी आपको भी चेक करवाते हैं क्या सीन है अंदर। और शदेब के चाचू हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है भैया? अब्दुल जबार। और प्याले का एक रेट क्या है? 80 रुपये। 80 रुपये का तो ये हाफ प्लेट 50 रुपये, हाफ प्लेट 50 की। और ये प्याले के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले भाई ने डाले हैं इसके अंदर आलू और भलियाँ डाली हैं, उसके बाद इतना बड़ा माशाल्लाह एक भल्ला डाला उसके अंदर, और ये टमाटर ग्रीन चटनी हरी मिर्चें प्याज और ये चने और गरम मसाला वगैरह ये चाट मसाला, कितना अच्छा यार ये लुक दे रहा है, मतलब देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। अगर ट्राई करेंगे तो पता नहीं, मैं कहता हूँ अन्नी पा रहेगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अभी खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह अन्नी पै गई है भाई, मजा आ गया। अमूमन मैं एक नवाले के बाद ही बता देता हूँ ये किस तरह का है। मैंने हाफ प्याला खा लिया, यानी इतना मज़े का लग रहा है कि मैं बोलने को दिल ही नहीं कर रहा। तारीफ मैं कह रहा हूँ बाद में कर लूँगा, पहले खा लूँ, इतना मज़े का मुझे लग रहा है यार माशाल्लाह। इस तरह के लग रहे हैं जिस तरह हम घर में नहीं बना खाते दही भले, कोई ज़्यादा मिर्चें नहीं है, कोई ओवर नहीं है कि मतलब आप खा लें और आपको कोई मसला बन जाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे भाई ने बनाए हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे। यार मैं कहता हूँ मज़ा आ गया, और सिर्फ 80 रुपये का प्याला, 80 रुपये के प्याले के अंदर इतना लोडेड प्याला मिल रहा है हमें कि फुल मज़ा आ गया खा के यार। अगर आप भी किलाएदार सिंह के अंदर रहते हैं तो आप यहाँ पर इलाही मैरिज हॉल के पास शहर के पंप में आएँ और यहाँ से आके ट्राई करें, बहुत अच्छा टेस्ट है भाई का।
वहीं से ही पहले ट्राई करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं किला के मशहूर तरीन जलेबी वाले लाला जलेबी वाले। जो किला मेरे आते हैं उनको तो पता है, लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो आप भी यहीं पर आएँ और जलेबी ट्राई करें, क्योंकि इनके पास समोसे और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनकी फेमस हैं, लेकिन जो मुझे पसंद है और इनकी फेमस है किलाएदार सिंह के अंदर वो जलेबी है। क्योंकि इनकी दुकान जो है वो किलाएदार सिंह के अंदर 50-60 साल पुरानी है, और जो बाबा जलेबी निकाल रहे हैं इनके पास बाबा जी, उनको 40 साल हो गए हैं वो इधर काम कर रहे हैं और जलेबी निकाल रहे हैं। वो गर्मा गर्म घी के अंदर जलेबियाँ वो बना रहे हैं और चास के अंदर जलेबियाँ जा रही हैं, अलग ही सीन बना हुआ है। अल्लाह जलेबी की गर्म गर्म जलेबी पहुँच चुकी है और इसको खा के चेक करते हैं क्या सीन है। शीरा की इसके अंदर से टपक रहा है जिस तरह बारिश हो रही है। फुल क्रंची मीठी, नॉर्मल मीठा है, कुछ ज़्यादा ओवर मीठा नहीं कि आप खा रहे हो और आपको ज़्यादा मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा मीठा यार इसका। जी आ तो साहब खोल के खाओ की क्या कमाल ही हो गया। हाँ जी क्या भैया मज़ा आ रहा है, उधर बनाओ यार भाई। और नाश्ता बिरयानी बर्गर दही भल्ले और जलेबियाँ तुलने के बाद आप वो हो गया फुल। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिए, और लिंक जो है वो इंस्टा का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें तो फॉलो मस्ट है। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।